क्या आपको पता है कि हेयर लॉस को रोकने में डर्मा रोलर एक इफेक्टिव टूल है जो घर पर भी किया जा सकता है? डर्मा रोलर क्या है, यह हेयर लॉस कैसे कम करता है, इसे घर पर कैसे यूज करें, घर पर यूज करने के बाद उसको क्लीन कैसे करें जिससे ये जल्दी खराब भी ना हो और बार बार यूज करने पर कोई इन्फेक्शन या साइड इफेक्ट भी ना हो और इफेक्ट भी बना रहे, डर्मा रोलर परचेज कहाँ से करें और आपके लिए डर्मा रोलर का कौन सा साइज बेस्ट है? अगर ये सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय, मैं हूं डॉक्टर अशोक सिन्हा और आप देख रहे हैं हेयर का सबसे ऑथेंटिक, ट्रस्टेड और साइंटिफिक चैनल हेयर एजुकेशन। डर्मा रोलर प्लास्टिक का बना हुआ एक टूल है जिससे एक हेड पर ड्रम शेप रोलर लगा होता है और उस रोलर के हेड पर टाइनी माइक्रो नीडल्स फिक्स होते हैं जो यूजुअली टाइटेनियम या सर्जिकल ग्रेड स्टेनलेस स्टील का बना होता है और गोल्ड प्लेटेड होता है। स्टैंडर्ड डर्मा रोलर के रोलर हेड पर 8 रोज में 192 नीडल्स होते हैं। नीडल्स का लेंथ 0.25 मिलीमीटर से लेकर 1.5 मिलीमीटर तक होता है और एक इंडिविजुअल नीडल का डायमीटर 0.1 एमएम होता है। जब डर्मा रोलर को आप स्काल्प पर या फेस पर रोल करते हो तो बगैर एपिडर्मिस को डैमेज किए स्किन के ऊपर वाले लेयर जिसे स्ट्रैटम कॉर्नियम कहा जाता है उसे पियर्स करता है और माइक्रोकॉन्ड्यूल्स या होल क्रिएट करता है। टेक्निकली इस प्रोसेस को कहा जाता है माइक्रोनीडलिंग बाय डर्मा रोलर। इस माइक्रोनीडलिंग से ग्रोथ फैक्टर रिलीज होता है जो कोलेजन फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है और इफेक्टिवली हेयर लॉस को रोकता है और थिन हेयर को थिक करता है। अब घर पर डर्मा रोलर यूज कैसे करें, इसके लिए चाहिए आपको एक परफेक्ट साइज का डर्मा रोलर और क्लीन करने के लिए सर्जिकल स्पिरिट। डर्मा रोलर आप www.addonwellness.com से ऑर्डर कर सकते हैं। काफी कम कॉस्ट में 192 नीडल्स का बेस्ट डर्मा रोलर अवेलेबल है जिसमें टाइटेनियम का गोल्ड प्लेटेड नीडल है। सर्जिकल स्प्रिट आप किसी भी मेडिकल शॉप से परचेज कर सकते हैं। अब डर्मा रोलर के नीडल का साइज कैसे सिलेक्ट करें, इसकी टेक्निक ये है कि आपके बाल जितने बड़े हैं नीडल का साइज उतना ही बड़ा होगा। अगर कंप्लीट बॉल्ड या एक्सक्लूसिव मिनिएचराइजेशन है तो 0.5 एमएम का डर्मा रोलर परचेज करें और अगर मीडियम साइज का हेयर है तो 1 एमएम का या उससे भी बड़ा बाल है तो 1.5 एमएम का डर्मा रोलर यूज करना है। घर पर यूज करने के लिए 0.5 या 1 एमएम का डर्मा रोलर बेस्ट होता है। अल्टीमेटली नीडल साइज इतना होना चाहिए जिससे स्काल्प पर होल भी क्रिएट हो जाए और पेन भी टॉलरेबल हो। अब डर्मा रोलर को अपने स्काल्प पर चलाना कैसे है? डर्मा रोलर को अपने स्काल्प पर आप हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और ऑब्लिक डायरेक्शन में चला सकते हैं। रोल करने के बाद पिन पॉइंट ब्लीडिंग दिखना चाहिए। अब इसे पूरे मेल पैटर्न बॉल्डनेस पर या फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस एरिया पर यूज करना होता है। कितनी देर तक डर्मा रोलर यूज करना है, प्रैक्टिकल क्राइटेरिया ये है कि जितना पेन टॉलरेट कर सकते हो उतना रोल करिए। आइडियल टेक्निक ये है कि छोटा सा एरिया सिलेक्ट करिए, उस पर चार डायरेक्शन में तब तक रोल करिए जब तक कि पिन पॉइंट ब्लीडिंग ना दिख जाए, फिर किसी दूसरे एरिया में शिफ्ट कर जाइए। फीमेल में या बड़े बालों के कंडीशन में एरिया को क्लियर करने के लिए कॉम का यूज करिए ताकि डर्मा रोलर आसानी से रोल हो और बाल रोलर में फंसकर टूटे नहीं। अब डर्मा रोलर को धोना कैसे है? डर्मा रोलर को पहले रनिंग वाटर में अच्छे से वॉश करिए जिससे ब्लड और हेयर क्लीन हो जाए। अब उसे सूखने दीजिए, हेयर ड्राई या फिर उसे झटक कर भी आप सुखा सकते हैं। सूखने के बाद डर्मा रोलर के ऊपर सर्जिकल स्प्रिट डालिए। सर्जिकल स्प्रिट अपने आप इवेपोरेट हो जाएगा। अब इसे आप पैक करके किसी सेफ जगह पर रख दीजिए। डर्मा रोलर करते समय प्रिकॉशन क्या लेना है? डर्मा रोलर हफ्ते में एक बार ही यूज करिए। लॉन्ग टर्म में हफ्ते में दो बार या तीन बार या डेली यूज करना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि फर्स्ट, डेली डर्मा रोलर यूज करने से स्काल्प के स्किन का हीलिंग कैपेसिटी कम होता है और दूसरा प्रॉब्लम यह होता है कि कोलेजन फॉर्मेशन का अपना एक स्पीड होता है। आप डर्मा रोलर चाहे कितनी भी बार करें कोलेजन फास्ट नहीं बनेगा, इसलिए डर्मा रोलर हफ्ते में एक ही बार करना है। अपना डर्मा रोलर किसी को ना दें और ना किसी दूसरे का डर्मा रोलर आप खुद यूज करें। डर्मा रोलर करने से पहले बालों को अच्छे से शैम्पू करके सूखने दें। डर्मा रोलर के बाद 6 घंटे तक हेड वॉश ना करें, कोई ऑयल, हेयर डाई या कोई भी केमिकल यूज ना करें। अगर आपके स्काल्प में बॉयल्स है, फोड़ा है या एलोपेशिया एरियाटा है या स्कारिंग एलोपेशिया है या आपको नहीं पता कि आपका हेयर लॉस एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है या नहीं, तो फिर डर्मा रोलर अननेसेसरली यूज मत करें। डर्मा रोलर के बीच में मिनोक्सिडिल भी यूज कर सकते हैं। ये काफी लोग ये सवाल पूछते हैं। इससे मिनोक्सिडिल का पेनिट्रेशन अच्छा होता है,
मिनोक्सिडिल का यूज ऐसे करें, पहले डर्मा रोलर यूज करें, फिर मिनोक्सिडिल अप्लाई करें और फिर से डर्मा रोलर यूज करें। मतलब मिनोक्सिडिल बीच में सैंडविच फॉर्म में आना चाहिए। डर्मा रोलर कितने समय तक यूज करें? जब तक आपको रिजल्ट चाहिए तब तक डर्मा रोलर आपको यूज करना होगा, क्योंकि ये टेम्पररी ट्रीटमेंट है। डर्मा रोलर करने के बाद क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप? डर्मा रोलर से आपका हेयर लॉस कम होगा और पतले या मिनिएचराइज्ड हेयर ठीक होगा। जब पतले बाल मोटे होते हैं तब कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि नए बाल भी आ रहे हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकता है? अगर आप अपने डर्मा रोलर को अच्छे से वॉश करेंगे और आपका स्काल्प भी क्लीन होगा तो पेन के अलावा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। अगर आपने एसेप्टिक प्रिकॉशन नहीं लिया है तो इन्फेक्शन के चांसेस हमेशा है। आइडियली 8 हफ्ते में डर्मा रोलर चेंज कर दीजिए, या जब भी डर्मा रोलर ब्लंट हो जाए या खराब हो जाए तो डर्मा रोलर चेंज कर दीजिए। उम्मीद करता हूं कि डर्मा रोलर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए होंगे। बेस्ट क्वालिटी डर्मा रोलर कहां मिलेगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे फायदा मैक्सिमम लोगों को मिले। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।